मैथ लेसन थ्री, थ्री नंबर लेसन है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आप लोग को पढ़ना है प्लेस वैल्यू चार्ट। ये जो प्लेस वैल्यू चार्ट है वो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है, जिसमें आपका पीरियड होता है किस प्रकार कि पहले यूनिट में आता है आपका वंस, टेंस, हंड्रेड, फिर इसके बाद कॉमा हो जाता है, फिर होता है 1000, 10000, फिर कॉमा होता है, फिर लाख, 10 लाख्स, फिर कॉमा, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। तो ये आपका इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। आगे है आपका इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में पीरियड किस प्रकार का होता है? सबसे पहले पीरियड में आता है आपका वंस, तो वंस में यूनिट हो जाता है आपका वंस, टेंस, हंड्रेड, कॉमा होता है उसके बाद, फिर आपका होता है 1000, 10000, 100000, फिर उसके बाद कॉमा होता है, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर कॉमा होता है, फिर आपका बिलियन आता है। तो कहने का मतलब है कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में वंस, टेंस, हंड्रेड के बाद पहला कॉमा लगता है, उसके बाद दो दो अंक के बाद कॉमा लगता है, जैसे 1000, 10000, फिर कॉमा लग जाएगा, फिर लाख्स, फिर 10 लाख, फिर उसके बाद कॉमा लगेगा करोड़, 10 करोड़ के बाद फिर कॉमा लगेगा। और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में हर 3 अंक के बाद कॉमा लगता है। तो इसी लेसन में 3 पॉइंट एक्सरसाइज 3.1 में इसी संबंधित कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला है राइट द न्यूमरल फॉर, ये जो दिया हुआ है वर्ड में दिया हुआ है इसको न्यूमरल में लिखना है आपको। फिर ये 2 नंबर क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग न्यूमरल विथ कॉमाज एज पर इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम से पहले इसमें कॉमा लगाना है लिख के, उसके बाद इसको वर्ड में लिखना है। फिर 3रा नंबर क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है वर्ड में तो इसको न्यूमरल में लिखना है। फिर 4था नंबर क्वेश्चन है कि री राइट द फ्लोइंग न्यूमरल्स विथ कॉमाज एज पर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स। ये जो न्यूमरल्स दिया हुआ है इसका इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से, प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से इसमें कॉमा लगाना है, जैसे यहाँ लग जाएगा, फिर यहाँ लग जाएगा, 3 3 अंक संख्या के बाद। 5 नंबर क्वेश्चन है राइट द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर। 9 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है और स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद मैं इसका नोट्स भेज देती हूँ, आप लोग देख के समझ भी लेंगे और फिर ये जो क्वेश्चन होगा उसको बना भी लेंगे।